देखो सर, आपकी बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्ट, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कहाँ पे क्या क्या करना है. एक्चुअली ये जो हमने फाइंड करना सीखा है मीन, आपके टेंथ में हमारे पास क्या होता है, थ्री वे से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो पहले तो क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या यूज करेंगे. क्वेश्चन विजिबल है आप बच्चों को? हाँ यस सर. पहले सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए आप, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 14.1. इस सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी. फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस. आपको मीन फाइंड करना है, सिंपल. नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन, दैट इज योर क्लास साइज. तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 किसमें है, तो वो कितने घर में है, दैट इज 1, 2 to 4, 2 हाउस. तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज आपसे फाइंड करना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, दे आर वेरी स्मॉल नंबर्स, 0 to 2, 2 to 4, एंड फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो वेरी स्मॉल नंबर, 1, 2, 5. तो जब आप इसका डेटा निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, एफ इनटू एक्स करेंगे, तो देयर विल बी अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. ये यहाँ पे मतलब है कि कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत ही सिंपल होता जाएगा. लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें, 50 से 52, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और है. क्या चीज है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सॉरी क्लास साइज आ रहा है, वो कंटिन्यूअस नहीं है. 50 से 52, देन 52 के बाद ब्रेक है 53 to 55. तो एक क्वेश्चन का चेंज ये भी आ जाता है कि अगर सर ऐसे होगा तो क्या करेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज ये, यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट आएगा वो समथिंग 52 डिजिट में आएगा, और नीचे जो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो 2 digit या 3 digit में है. तो जब आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 digit की, तो आपको कोने में जाना पड़ता है. आपको पता है, आप पेज ले लेते हो, रफ पेज, और कॉर्नर में जाके आप फिर कैलकुलेशन करते हो. तो उससे बचने का तरीका इसके अंदर दिया है बस, कि हाउ टू कैलकुलेट इजीली. यहाँ पे तीन मेथड है. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कैलकुलेशन जो हम करते हैं. दूसरा एज्यूमीन मेथड, एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, टू फाइंड द मीन ऑफ द सेम क्वेश्चन. हम एक क्वेश्चन में तीनों भी करेंगे. और एक बार बोर्ड के अंदर ये भी आया था कि एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करिए. इवन देयर इज ए एग्जाम्पल इन योर बुक, आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, और ये बोर्ड में आ चुका है. तो एट द एंड हम ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम एक ही क्वेश्चन को, अगर किसी बच्चे के स्कूल में हो चुका है तो उन्हें आइडिया होगा. ये देखिए क्वेश्चन, द टेबल बिलो इज गिवन. At the end, क्या लिखा हुआ है? Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section. तो ये question आ चुका है board में. खैर, हम one by one start करते हैं. ये हमारे पास पहला question है. क्या आप में से कोई बच्चा इसे जल्दी से solve करेगा? 1 or 2 minutes, roughly, फटाफट, fast. Give me the answer. सॉल्व कर रहे हैं सर. डन. वेरी नाइस आंसर. 9.71.
जी 39.71 39.71 गुड। और किसी बच्चे का आंसर? सर 8.1। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? आई थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप लोग साथ दीजिए। द क्लासेस वॉज 0 टू 2, 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 14, दैट्स इट। ये हमारे क्लास हो गए नंबर ऑफ प्लांट्स। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। आपको मिड पॉइंट निकालना था। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो क्लास साइज 2 का है। अगर क्लास साइज 2 का है तो 2 का हाफ 1 है। अगर 2 का हाफ 1 है तो लोअर लिमिट में 1 प्लस करते चले जाइए। 0 प्लस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। क्लास की डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो अगर आपका पहला 1 है तो 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11 विदाउट कैलकुलेशन। बस एक बार ध्यान से ये देख लेना है कि कंटिन्यूअस क्लास साइज है या नहीं, सेम क्लास साइज है या नहीं, ये एक बार आप नजर डाल लो। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यस सब सेम है, सबका क्लास साइज सेम है। 2 का गैप है तो यहाँ पे भी 2 का गैप आएगा। सीधा मल्टीप्लाई करिए f into x, 1, 1, 2, 3 जा 6, 5, 1 जा 5, 7, 5 जा 35, 6, 9 जा 54, 11, 2 जा 22, 13, 3 जा 39, that's it। प्लस कर दीजिए 7, 12, ठीक है 47, कितना हो जाएगा 51, 101, 100, 3, 23 एंड 32 एंड 62। यही आया था सब बच्चों का? जरा मुझे बताओ मेरा कैलकुलेटर जो सम है वो ठीक है? टोटल बताइए सब बच्चों का, यही आया था सम? बताते नहीं हूँ आप सब बच्चों। सिग्मा एफ कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 20। वेरी गुड। तो आपके पास मीन जो आएगा दैट इज सिग्मा एफ एक्स 162/20। तो जीरो से तो डेसिमल लगाइए आप सिंपल। सर 8.1 आ रहा है। वेरी नाइस 8.1 आ रहा है। किस किस बच्चे का 8.1 आया था? एक बच्चे ने और कहा था अभी? मैंने। आपने कहा, ठीक है। और बच्चों ने नहीं किया है क्वेश्चन? सब बच्चे हैं या नहीं जो चाय पी रहे हैं अभी? सर सब है। आवाज तो किसी की नहीं आ रही जो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी जगाया जाए पहले भाई सबको, सबको जगाया जाए। कौन कौन जी? हंजला सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सॉल्व नहीं किया था आपने क्वेश्चन? सर किया था। आंसर क्या आया था? गलत आया था। जी गलत आया। कहाँ पे गलती थी बेटे? कोई बात नहीं, गलत आने कोई प्रश्न नहीं। सिग्मा अपॉन में करने में डिवाइड में गलती कर दी थी। डिवीजन में। वैसे टोटल सेम आया था? यस सर टोटल सेम आया था। गुड ठीक है। ओके जैना आपका तो सही आया था आंसर? यस सर। गुड। ये ऑनर 9 कौन है? तौहीद। ऑनर 9 पे कौन है? तौहीद है। यस सर। ओके बेटा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। इकरा इस पे कौन है? इकरा पे यस सर। ये किसका नाम है?
क्या नाम बेटा आपका? सर इकरा। इकरा, समझ में आ रहा है? यस सर, वो अभी ज्वाइन कर रहा है बस। अभी ज्वाइन किया, ठीक। चलिए अभी एक नया क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियर करिएगा, ठीक है। मोहम्मद समीर। यस सर। आर्यन। यस सर। नोमान, ठीक है सर? यस सर। यस सर। संगे मित्रा। यस सर। मन में आ रहा है? अभी जो क्वेश्चन कराया समझ में आया या फिर वही एकदम देना पड़ेगा आपको? सर आया। आया तो अभी तक तो एक बार भी कैलकुलेट करके नहीं बताया आपने। सर आंसर सही आया था। वेरी गुड, बताना सही था ना। आप जब आंसर सही बताते ना बच्चे तो हमें खुशी होती है कि भाई माशाल्लाह हमारे दो बच्चे चार बच्चे कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं बच्चे समझ रहे हैं। जब आप लोग खामोश रहते हैं नहीं समझते हैं, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाने के बाद चेक करना हमारा यही होता है कि हमने जो पढ़ाया वो आपको समझ में भी आया या नहीं, तो आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। शादान। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं भी क्वेश्चन चेंज करूंगा बेटे, यही है तीन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, इसलिए इस पे ज्यादा स्ट्रेस है। शोएब। शोएब। यस सर। समझ आ रहा है सर? यस सर। सिफत। यस सर। मैं। यस सर। जैद। हाँ ये सर देखिए, जो हमने क्वेश्चन लिया था, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ी डिजिट्स का, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा ये ले लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं। जी श्रीराज। कृष्णा। एटीएम से चेक किया आपने? ये मेरा तो बेटा खुश होगा। देखिए जरा इसे, हमारे पास क्या, पहले हम इसको जैसे अभी हमने किया उससे ऐसे करते हैं, फिर इसको नया मेथड लेते हैं। आपके पास क्या है, डेली वेजेस गिवन है, मैं इसको डेटा कह रहा हूँ, क्लास इंटरवल्स मान लीजिए 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 to 200, ये हमारे पास डेटा गिवन है। एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन 12, 14, 8, 6, 10। आप इसे कौन बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट विल बी द आवर मिडिल टर्म्स, मीन मार्क्स इसे कहना चाहिए, एक्स। सबसे पहले आप सब बच्चे ये चेक करो कि क्लास साइज सब में सेम है। यस सर। 20 का क्लास साइज है, ठीक है बेटे। तो 20 का क्लास साइज, 20 का हाफ होता है 10,
तो आप लोअर लिमिट में 10 ऐड करते चले जाइए और 10 बाद में ऐड करेंगे, पहले फर्स्ट वाले में ऐड करिए। तो 100 प्लस 10 कितना होता है? 110। यस, नाउ ऐड 10, ठीक है, हर एक में 10 ऐड करते जाइए। तो 110 देन 130 10 नहीं ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे, क्योंकि गैप 20 है। 130 यस, नेक्स्ट 150 यस, 170 19, दैट्स इट। तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया। अब यहाँ आप देखोगे हमें f into x करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे 2 डिजिट और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हो रही है। आसानी थोड़ी सी ये है कि हमारे पास एक नंबर में 0 आ रहा है तो थोड़ा कैलकुलेशन सेम रहता है। तो हमारे पास 12 और into 11 करना है। पहले तो मैं कर देता हूँ इसको एज इट इज, फिर इसका एक नया मेथड लेंगे, एक या दोनों मेथड यहीं पे समझा देंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि इस एक्सरसाइज में हो क्या रहा है। तो f into x हमारे पास हो गया, तो 12 into 11 132 होता है, 0 तो आप लगा ही दोगे। 13 into 14 ठीक है भाई, कितना 130 और कितना, ठीक है 130 and 52, 182 होना चाहिए। Excuse me sir. जी बेटे। इसमें ना हमारे स्कूल में अलग मेथड से करवाया था, उससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हुई थी और जल्दी भी हो गई थी। मुझे सुन रहे हो आप या नहीं सुन रहे, पहले तो ये बताओ प्रॉपरली। सर सुन रहे हो। सामने आपसे क्या कहा है, पहले हम इस मेथड से करेंगे फिर बाकी दोनों मेथड से भी करेंगे। Okay, है ना, इस चीज को इसलिए ध्यान रखिए बेटे कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आप ही को डिसाइड करना है कि विच मेथड यू टू चूज, ठीक है। एक मेथड आएगा जिसमें आपके पास जो क्लास साइजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो मैं कहता हूँ उसे डायरेक्ट मेथड से ही करा करो, तो वो कम स्टेप्स में हो जाएगा। अगर आप उसे स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो वो लेंथी हो। बट हम कहाँ से आ रहे हैं वो हम सिखाने की कोशिश करें कि ऑल थ्री मेथड्स आर सेम, और एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड भी यूज करा लेता, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। तो आपको प्रैक्टिस तीनों की होनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन मैं उस मेथड से नहीं कर सकता, मैं तो उसी से करूँ, तो ये भी ध्यान रखिए। तो 15 into 8 कितना होता है भाई? 17 into 6 कितना होता है? 1020। 19 10 कितना हो गया? 1900। बहुत अच्छी बात है, सम कर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स 0 तो आपके पास आना ही है, 2 2 4 2 6, फिर 3 8 11 12 13 एंड 11 2 13 एंड 9 22, 2 1 3 4 5 6 7 22 7 2 6 0, ठीक है। एंड सिग्मा एफ इज व्हाट? 16 24 28 38 40 50। तो बार x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा एफ एक्स, ये इसको नीचे ले लेते हैं, ये इसको नीचे ले लेते हैं, जिससे कि यहीं पे दूसरा मेथड ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बार x इज इक्वल्स टू, सो 145.2 आ रहा है, वेरी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, that is 7260 upon 50, 0 cancel, 5 1 5 5 4 20 5 5 25.2, यही आंसर आ रहा है सब बच्चों का? यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड लेते हैं, यहाँ हम एफ इंटू एक्स नहीं कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन करते हुए हमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ हम एफ इन टू एक्स नहीं कर रहे, इसे हटा दे, ठीक है सर। आप ये मान लीजिए ये कॉलम हमने बनाया नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये मेथड होता है, इसका नाम भी सुन लीजिए आप सब बच्चे, एज्यूम मीन मेथड। तो अगर आप assume mean method है, assume करना है आपको first, तो you have to suppose any number, please ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी number, जो midterm है, x जो आपके पास आया है,
आप 110 को assume कर सकते हैं, 130 को assume कर सकते हैं, 150 को assume कर सकते हैं, 170 को, 190 को. You may choose anyone, but middle term will be, जिसे कहना चाहिए, more comfortable. अगर आप middle term को आप समझ assume करेंगे, तो थोड़ा सा easy होगा calculation के मामले में. तो यहाँ पे जो हमारा middle term है, वो 150 है. तो अगर हम इसको assume कर लें कि it is our A, assume me. तो अब हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है और नेक्स्ट कॉलम में हमें निकालना है x माइनस a, जो आपके पास x है, डेटा है. ये जो आपके पास डेटा है x, इसमें से आपको a को माइनस करना है, जो आपने अज्यूम किया है a. तो हमें निकालना है x माइनस a एंड इट इज कॉल्ड डेविएशन d. आप 11th में भी स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया तो. तो वहां पे ये टर्म आएगा डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड द मीन, जो आप एज्यूम कर रहे हो. तो अगर हमारे पास, हम पहले टर्म की बात करें, इट इज अवर 110, ये हमारा 110 और हमारा ए जो है वो 150 है. तो 110 माइनस 150 माइनस 40, यस. अगेन 130 माइनस 150 माइनस 20 माइनस 20. 150 माइनस 150 इज जीरो, ठीक है. 170 माइनस 150 इज 20 एंड 190 माइनस 150 इज 40. तो जो आपके पास मिडिल टर्म्स हैं, उससे ऊपर वाले टर्म्स हमेशा माइनस में आएंगे, नीचे वाले टर्म्स हमेशा प्लस में आएंगे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपके पास साइज है, क्लास साइज, तो क्लास साइज आपका 20 है, तो ये नंबर्स हमेशा 20 के मल्टीपल्स आएंगे, ध्यान रखना. अगर ये 5 होता तो 5 के मल्टीपल्स आते, 15 होगा तो 15 के मल्टीपल्स आएंगे. तो ये जो आपके पास 20 है, तो 20 का मल्टीपल 40, 20, 0, 20, 40. जी. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे f into d. सर जी, सर a को मिडिल टर्म ही लेनी है या कोई भी नंबर ले सकते हैं? संजय मित्रा जी, मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है. मैंने हर एक नंबर पे निशान लगाया कि आप 110 को भी ले सकते हैं, 130 को भी ले सकते हैं, 150 को भी ले सकते हैं, 170 को भी ले सकते हैं, 190 को भी ले सकते हैं. बट अच्छा है, अगर मिडिल टर्म लेंगे तो उस टाइम कहाँ थे आप? सुन नहीं रहे थे आप? मुझे भी बताया कि बच्चे को कहाँ डाउट होता है, बच्चा कहाँ अटकता है, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अटेंटिव रहेंगे तो अच्छा लगेगा. अभी तो बताया बेटे, मैंने हर एक नंबर पे मार्क किया है कि 110 130 सपोज करिए. बट अच्छा होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म लेंगे तो आधे आपके पास ऊपर नेगेटिव, आधे नीचे आपके पास पॉजिटिव, डिजिट्स छोटी आएंगी. अगर आपने सबसे ऊपर वाले को लिया होता 110 को, तो नीचे तक जाते जाते 80 हो जाता, 80 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा. बट ले सकते हैं, कोई महत्व नहीं है, बाउंडेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप 150 लेके करिए, दूसरा बच्चा 110 लेके करे, तीसरा बच्चा 190 लेके करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबका सेम आने जा रहा है. तो ले सकते हैं, बट अच्छा हो अगर आप मिडिल टर्म लें, बट प्लीज अटेंटिव रहिए. मैं वो सारे पॉइंट ऑलरेडी रेज करके चलता हूँ कि भाई यहाँ यहाँ पे डाउट्स होते हैं. अब हम क्या करेंगे, पहले वाले में हमने f into x किया था, अब x को हम एज्यूम कर चुके हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे f into d से. तो f into d से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास है 12 into 4, तो 48 माइनस 48, ठीक है. 14 into 2, 280 माइनस 280, ठीक है. फिर हमारे पास है 8 into 0, 0. 6 into 2, 120, ठीक है. 10 into 4, 400. 400. ये आपके पास कुछ टर्म्स प्लस में, कुछ टर्म माइनस है. अब यहाँ पे भी आप सीख लो बेटे, मैं तो हर जगह आपको हर स्टेप्स बता के चल रहा हूँ ना, कि आप थोड़ा सा अपने आप को इजी कैसे करो. अब आप माइनस वाले को अलग ऐड करोगे, प्लस वाले को अलग ऐड करोगे, फिर आप माइनस करोगे. लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन क्या सिखा रहा हूँ, ये मेरे पास है 480 और ये मेरे पास है 400. जिस तरह से भी आपको इजी लगता हो, तो जब इन दोनों को करोगे तो माइनस 80 रह जाएगा एक्स्ट्रा. ये बात सबको समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस 280 है और 120 है. तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 160. क्या आएगा? माइनस 160. तो आपके पास माइनस 160 एक्स्ट्रा, माइनस 80 एक्स्ट्रा है, तो आपके पास फाइनली माइनस 240 एक्स्ट्रा है.
चॉइस आपकी है कि आप कैसे ऐड करते हो कैसे, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बता के चल रहा हूँ। मतलब आप ये भी कर सकते थे कि नहीं सर हम तो ऐसे कर लेते हैं कि भाई आपके पास माइनस में क्या हो गया, जीरो एट और एट सिक्सटीन, ठीक है, फोर टू सेवन सेवन सिक्सटी, तो सेवन सिक्सटी इज माइनस एंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी इज प्लस, तो आपके पास फाइनली रिजल्ट क्या आया, सिक्स टू फोर सेवन फाइव टू, तो माइनस टू फोर्टी इज एक्स्ट्रा, रिजल्ट सेम आ रहा है, बट जैसे आपको लगे, कैलकुलेशन आपको करनी है। सो नाउ यू हैव सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी इज माइनस टू फोर्टी, तो देयर इज अनदर मेथड, सुन लीजिए, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, जो आपने माइनस किया है सब में से लेके वो वापस यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए ए, तो ऐसा होगा जैसा हमने सारे डेटा में से अपना जो मीन है वो माइनस कर लिया था, वापस प्लस कर देते, तो कैलकुलेशन हमारी वही रहेगी। देख लेते हैं क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर क्या है, माइनस टू फोर्टी सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इज अवर फिफ्टी, एंड प्लस ए इज अवर 150, दूसरा कैंसिल करिए, जीरो से जीरो, फाइव फोर जा 20 एंड फाइव एट जा 40, तो माइनस 4.8, तो 150 से अगर माइनस 4.8 करेंगे तो फाइनली आंसर विल बी 145.2, ये मैं बताएं। अब आप सब बच्चे एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आया था माइनस 240 अपॉन 50 प्लस 150, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे मान लीजिए जीरो तो कैंसिल कर दें, लेकिन इधर इधर आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 24 प्लस 750, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे, तो मैं मना करता हूँ कि एलसीएम मत लिया करो, ये 150 को अलग ही रखिए और इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपको ज्यादा ईजी रहेगा क्योंकि फाइनली लास्ट में आंसर डेसिमल में ही आ रहा है, तो अच्छा है यहाँ पे डेसिमल को सिंप्लीफाई करो। तो ये मेथड कहलाता है एज्यूम मीन मेथड, आपने एक डेटा को जस्ट एज्यूम कर लिया इट इज अवर मीन और वापस में आपने उसको ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन एक मेथड और बचता है, वो भी आप समझ लीजिए, हमने क्या किया था, हमने f लिया, फिर x निकाला, f into x किया, d निकाला, f into d किया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम f into d भी नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे थोड़ा सा जागते रहिए, एक क्वेश्चन फिर और करेंगे, ध्यान से आपके पास एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड आ जाएंगे। अब हम f into d नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने d को क्लास साइज से डिवाइड कर दे रहे हैं, h बोलते हैं उसे हाइट, i भी बोलते हैं इंटरवल, और इसको बोलेंगे u, the symbol is u, divide d by h, here h is class size जो हमारा है वो 20 है, तो ये और इजी हो जाए, अगर आप d को, d हमारा है 40, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 0, 1, 2, और ये हमेशा 1, 2 ही आना है, ध्यान रखिएगा, always, तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए और आसान होता है। अब आप मल्टीप्लाई करिए f into u, ये एक क्वेश्चन नहीं है, तीन मेथड अलग अलग चल रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन ने पूछ ली तो अलग बात है, बट दीज आर थ्री डिफरेंट मेथड्स, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो अलग अलग मेथड से करेंगे, बट व्हाट इज अवर f एंड व्हाट इज अवर u, तो 12 2 जा 24 एंड 14 1 जा 14 एंड 8 0 0 एंड 6 1 जा 6 एंड 10 2 जा 20, तो फाइनल व्हाट इज सिग्मा एफ यू, 26 हमारे पास प्लस में है, 24 माइनस में, 2 आएगा, माइनस 14 प्लस 2 इज माइनस 12, ये आपके पास आएगा। देखो जरा कैलकुलेशन क्या होंगी, फॉर्मूला क्या बनता है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, डिवाइड हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम से ही करना है, बट रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए, रिवर्स प्रोसेस मींस व्हाट, कि भाई आपने आपने जिससे डिवाइड किया था वापस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आपने डिवाइड किससे किया था, एच से, तो आप एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आपने माइनस किया था उसे वापस प्लस कर दीजिए, दैट्स इट। तो सिग्मा एफ यू फाइनली आपके पास आया है बेटा 12, सिग्मा एफ अभी भी आपके पास 50 है, क्लास साइज आपके पास था 20 और ए आपके पास था 150। तो अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे अभी भी हमारे पास वही आ रहा है 24/5। सो 24/5 अगर हमारे पास आया है प्लस 150 तो आपके पास आ रहा है -4.8 प्लस 150, सो दैट इज 145.2। ये हमारे पास। किसी बच्चे को कुछ समझ में आया या नहीं आया? सर आया। हाँ जी बटालियन सर, थर्ड वाला फिर से। यस सर, अभी करेंगे बेटे, अभी करेंगे बेटे, अभी इन तीनों मेथड्स पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड से तो हम कर ही चुके हैं, अभी एज्यूमिंग मेथड से, सिंपल एज्यूमिंग मेथड से करेंगे, फिर हम स्टेप डेविएशन से करेंगे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी वीडियो मैं अभी आपको फौरन भेजूंगा, तो आप लोग चेक भी करते रहिएगा। ये पीडीएफ भी भेजूंगा जो हम कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, तो कोई लिखने की भी ज्यादा जल्दी नहीं है, और मैं आपको वीडियो भी भेज। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप सॉल्व कर लें। यस, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है सर। हमारे पास क्लासेस क्या गिवन है, 65, 68, 68, 71, 71, 74, then 74, 77, then 77, 80, then 80, 83, then 83, 86. Six. ठीक है भाई, ये आपके पास क्लास साइज है। Yes, sir. आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। तो इसको हम लेते हैं एज्यूमिंग मेथड से। आप कोई भी मेथड लें, पहले आपको x निकालना है। कोई बच्चा मुझे बताएगा फर्स्ट वाले क्लास का x क्या है, व्हाट इज द मिड मार्क्स, मिड पॉइंट? 66.5। वेरी गुड। द गैप जो है बेटा वो 3 का है, 3 का हाफ होगा 1.5, तो सब में 1.5 ऐड करते चले जाएंगे, 65 प्लस 1.5, 68 प्लस 1.5, लाइक दिस। तो 65 प्लस 1.5 इज 66.5। नाउ जो क्लास साइज है वो 3 का है, अगर 3 का है तो आप इसमें 3 ऐड करते चले जाइए, तो दैट विल बी 69। 69 प्लस 3 72, 72 प्लस 3 75, 75 प्लus 3 78, 78 प्लस 3 81, 81 प्लस 3 84। अब आप खुद देखिए, हमें खुद ही डर लगने लगेगा कि सर 66.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो इसको इजी कर लेते हैं। इजी क्या कर लेते हैं, इसमें से किसी एक को एज्यूम लेते हैं, इसको एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं, सेकंड मेथड से, इसको अलग से स्टेप डेविएशन से भी करेंगे, बट अलग से, बिल्कुल सेपरेट, इसी टेबल में नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमने एक को, किसी एक को एज्यूम करना है। संगे मित्रा जी हैं? यस सर। हैं आप यहीं पे? यस सर हैं। गुड, बताओ किसको हम, कौन से वाले टर्म को ए सपोज करें, एक्स में से, एक्स वाला जो कॉलम है, तो आप किसको? 5.5। आपका नाम संगे मित्रा है, नाम बदल दें आज से आपका? No, sir. Sorry. संगे मित्रा को बोलने दो। जी संगे मित्रा, which one? Choose. तो 75.5। हाँ, middle term. Good. कोई बात नहीं, हम चाहे थे आप कोई और भी ले लेते। चलिए 75.5 को बेटे आपने assume कर लिया, तो अब हम निकालेंगे difference x minus a। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बेटे, ध्यान रखना x में से a को minus करना है, x को पहले लिखना है। कभी आप सोचो सर ये तो छोटा है इसलिए a में से minus, नहीं, x minus a। तो 66.5 माइनस 75.5, 0.5 0.5 तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 9 आएगा, अगर आप लोग समझ रहे हैं, वो भी माइनस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप करोगे 69.5 माइनस 70.5,
जो कितना आएगा सिक्स माइनस सिक्स, फिर कितना आएगा माइनस थ्री, फिर कितना आएगा जीरो, फिर कितना आएगा थ्री, फिर कितना आएगा सिक्स, फिर कितना आएगा नाइन। और ये चीज आप सब बच्चे प्लीज ध्यान रखिए, जो हमारा बेटे क्लास साइज है, क्लास साइज हमारा थ्री है, तो दिस ये जो हमारा डी आया है ये ऑलवेज थ्री का ही मल्टीपल होना है। अगर ये थ्री का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जो आपने मिडिल टर्म लिया है वहां जीरो होगा, तो उससे ऊपर 369 होना है, नीचे 369 होना है, ऊपर माइनस में होना है, नीचे प्लस में होना है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है जो आपके साथ होती चली जाएगी, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको एफ इंटू डी करना है, एफ इंटू डी। बस यहाँ ध्यान जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो हम एक्स को ध्यान में रखते हैं, तो एक्स को कवर कर लिया अगर हाथ से, पेपर से, पेन से, कि उसके ऊपर एक पेन रख दिया कि नहीं अब इस वाले कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एफ और डी की बात कर रहे हैं। तो 29 जा माइनस 18, यस माइनस 18, एंड 46 जा माइनस 24, 33 जा माइनस 9, 0, 73 जा 0, 46 जा 29 जा 18, गुड। अब आप कैंसिल, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप समझना चाहें प्लीज, अगर आप समझना चाहें 18 प्लस में भी है बेटे, 18 माइनस भी में भी कैंसिल हो जाए, क्यों हम प्लस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करें। 24 प्लस में भी है, 24 माइनस में भी है, जीरो हो जाए। अब 21 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो कितना आंसर आया, 21 माइनस 9, एनीवन जल्दी से, 12, यस गुड। मतलब करने को तो आप सबको प्लस करो, सबको माइनस करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, बट अगर आप इस तरह से देख सकते हो अपने डेटा को तो ऑब्जर्व किया करो। सिग्मा एफ बताओ भाई कितना है, वैसे तो क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी, ठीक है, हॉस्पिटल डॉक्टर नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स फाइंड द मीन हर्ट्ज़ पर यूजिंग ए सूटेबल, नहीं दिया हुआ, टोटल नहीं दिया, चलो सो 30 है, 2 4 6 3 9 17 24 28 30, यस 30 है। तो फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा फॉर्मूला, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा f इनटू d अपॉन सिग्मा f इज प्लस a प्लस a, यस। अब आप यहां जरा ध्यान से देखिए, ये x एक नहीं है तो इसे कहते हैं एफ आई, मैं आपको लिख दूं, कभी आप देखोगे सर ने तो बताया ही नहीं था, FI, FI का मतलब frequency 1, frequency 2, I की जगह आपकी position change होती चली, F1, F2, F3, F4, इसी तरह से X की position, XI, XI means X1, X1 पर पहला वाला data है 66.5, X2 69.5, तो इसी तरह से D आता है, DI कौन सा वाला, XI into A, तो ये FI into DI आता है, तो अगर कहीं formula में नजर आए तो ये, otherwise तो आप जो मैं लिख रहा हूँ उतने से काम चल जाएगा, sigma FD upon sigma F, अदरवाइज जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n, n यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना डेटा है, बस नंबर डेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 टू 7 एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इतनी ऑब्जर्वेशन है उतनी, i = 1 to n होता है, n is the number of observation, खैर तो हमारे पास सिग्मा fd हमारे पास आया है 12, सिग्मा f आया हमारे पास 30 और a हमारे पास आया है 75.9। अब यहाँ मैं बच्चों से कहता हूँ सबसे कि बेटे अब यहाँ else की मत लिया करो, ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे, तो else अब नहीं लेना, इस 12/30 को यहीं पे सिंपलीफाई कर लो, अगर आप 75 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो तो मुश्किल सा हो जाता है, तो क्या होगा 3 4 12 और जीरो की वजह से डेसिमल आ जाएगा बस, तो 0.4, तो 75.5 और 0.4 75.9, ये हमारा आंसर। सब बच्चों को समझ में बात आई या नहीं आई ये बता दो बस, यस सर, यस सर। तो ये कौन सा मेथड है, ये है एज्यूम मीन मेथड, ये मेथड है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, क्या और ज्यादा आगे क्या हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टेप डेविएशन वाला, किसी को भागना तो नहीं है, क्रिकेट खेलने तो नहीं जाना किसी को,
कौन कौन गायब हुआ है? दो बच्चे गायब हुए हैं। कौन कौन गायब हुआ है? आज पिटाई होगी जो जो गायब हुए हैं ना। अभी मैंने ली थी अटेंडेंस, तो जो जो गायब हुए उनकी पिटाई होगी। अंजला है? लॉकडाउन में कौन खेला क्रिकेट? हाँ यूपी को बात सही है, लॉकडाउन में कौन खेला क्रिकेट? घर में तो खेल रहे हैं क्रिकेट, छत पे है? छत पे ना खेल रहे तुम? ये जो कौम है ना जिसका नाम मुसलमान है, ये बहुत बेकार सी है कौम, अल्लाह मियां रहम करे, इसीलिए पिटाई हो रही है इनकी। ये ना छोड़ रहे कुछ भी, कोई लड़कियां है मुसलमान की, ये ना छोड़ रहे कुछ भी। अभी लॉकडाउन में भी 12-12 10-10 साल के बच्चे मोटरसाइकिल लेके कैसे दिल्ली में चल रहे हैं मुझे भी पता है, अल्लाह रहम करे। और माँ बाप कैसे उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए खैर छोड़िए, क्या इन चीजों को डिस्कस करें, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन और लेते हैं। चलो इसी को लेते हैं, इसमें इसको आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर अगर ये होगा तो क्या, और इसे स्टेप डेविएशन से लेते हैं। तो दो मेथड, आप दो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक तो चीज बेटे इस क्वेश्चन में ये समझिए कि अगर आपके पास जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, इन्हें कहते हैं ट्रू लिमिट्स, आपके पास क्लासेस में गैप अगर है तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे करें। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लास साइज है बेटे 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। ये हमारे पास क्लास साइज है। अब आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए बेटे इधर, एक्चुअल तो ये है कि मीन के लिए आपके पास अगर ट्रू लिमिट्स नहीं है, कॉन्टिन्यूस लिमिट नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूं, मैं ले लेता हूं मिड पॉइंट, मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं बेटे, आप सब बच्चे ध्यान से देखते जाइए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी और यहां हमारे पास एक्स आएगा। तो आप बस आप मुझे बताओगे फर्स्ट क्लास का जो आपका मिड पॉइंट आ रहा है, क्लास मार्क आ रहा है, वो क्या आ रहा है? जैना 51, 50 से 52 व्हाट इज द क्लास मार्क? 2 सर। क्या है बेटा? 51 सर, एक्स आई इज 51 एंड द क्लास साइज इज पहले कंटीन्यूअस करना। 51 कैसे आएगा बेटे, गैप है ना यहाँ पे 1 का, तो 51 यहाँ पे जो क्लास मार्क आएगा वो बस बेसिक फॉर्मूले से आएगा, L1 प्लस L2 बाय 2 सर, वही किया है ना, तो 51 नहीं आएगा ना बेटे, कितना आ रहा है? 51 ही आ रहा है, हाँ 51 ही है, सही है, सही है। सर हमारे स्कूल में इसमें पहले इसको, अरे 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 रुक जाओ, सुन लिया करो मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि हम वो मेथड करेंगे, बट अगर हम डायरेक्ट निकालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। 53 55 का क्या आएगा? 51 और ये क्या आएगा? 57 ठीक है, 3 का गैप आता चला जाएगा, 3 का गैप 60 एंड 63। अब हमें करना क्या है, आपको पूरे चैप्टर बेटा प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, पूरे चैप्टर में आप मीन फाइंड कर रहे हैं, मीडियन फाइंड कर रहे हैं, मोड फाइंड कर रहे हैं, तो आपको पहले अपनी क्लास लिमिट्स को कंटिन्यूअस लिमिट्स पे बनाना है, ट्रू लिमिट्स में चेंज करना है। मैं मना मतलब मैं कह रहा हूँ मीन के लिए जरूरी नहीं है, बट बस आदत डाल लीजिए ट्रू लिमिट्स। तो ट्रू लिमिट्स क्या होते हैं कि आपको ये देखना है कि 52 से 53 के बीच में कितने नंबर का गैप है, जो आपके पास लास्ट वाली लिमिट है और जो नेक्स्ट वाली की फर्स्ट वाली लिमिट है उसमें कितने का गैप है। तो गैप है 1 का, मैं भी पॉसिबल ये 10 का गैप होता, मैं भी पॉसिबल ये 100 का गैप होता, तो उसका हाफ करेंगे, उसका हाफ करेंगे तो वो आएगा 0.5। तो 0.5 को करना क्या है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस लिमिट। 0.5 को बेटे लोअर लिमिट में, यानी कि लोअर लिमिट हमारी है 50, तो 50 में से 0.5 माइनस कर दीजिए
तो वो रह जाएगा 49.5 और उसे 52 में प्लस कर दीजिए तो वो हो जाएगा 52.5 53 में माइनस करिए तो वो हो जाएगा 52.5 और 55 में प्लस करिए 55.5 56 में से माइनस करिए 58 में प्लस करिए 59 में से माइनस करिए और 61 में प्लस करिए 62 में से माइनस करिए और 64 में प्लस करिए तो ये आपके पास लिमिट्स आएंगे। अब अगर आप इनका वही जो हमारे पास है 3 का गैप है 1.5 ऐड करेंगे तो भी क्लास मार्क आपका यही आना है। तो क्लास मार्क हमारे पास जो मीन है उसमें सिर्फ हमें x यूज करना है तो x आप कंटिन्यूअस लिमिट से लें या डिस्क्रीट ये जो आपके पास लिमिट्स हैं उनसे लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं बट हमेशा आदत बना लीजिए कि नहीं मुझे ट्रू लिमिट्स करने हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 15 110 135 115 and 25। ठीक है अब हम इसे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड में दो स्टेप्स होते हैं पहले डी निकालना है फिर यू निकालना है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एक ही स्टेप में ठीक है। तो पहले डी निकालिए तो डी का मतलब है पहले एक नंबर को एज्यूम कर लीजिए 57 को एज्यूम कर लेते हैं तो हम निकालेंगे x माइनस ए दैट इज डी। आप चाहें तो यहीं पे x से डिवाइड करके u भी निकाल सकते हैं दिस नो प्रॉब्लम अगर आप थोड़ा सा फास्ट करने लगेंगे तो 51 माइनस 57 इज 6 इज 3 इज 0 इज 3 इज 6 क्योंकि क्लास साइज 3 है तो 3 का मल्टीपल आएगा। अब ये जो डी आया है इसको इस क्लास साइज से यानी कि एच से डिवाइड कर दिए एच हमारा 3 और इसे आप कहिए यू तो 6/3 इज 2 इज 1 इज 0 इज 1 इज 2 हमेशा 1 2 3 ही आना है। अब ये स्टेप बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। यस सर आ गया। हां भाई पहले आप डी फाइंड कर रहे हैं फिर ए निकाल यू निकाल रहे हैं दोबारा से देख लीजिए बेटे प्लीज अगर आप सब बच्चों को समझ में आ जाए तो दो कॉलम की जगह आप सिंगल कॉलम भी कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे x माइनस ए अपॉन h इज इक्वल टू यू डायरेक्ट 51 माइनस 57 इज 6 6 बाय 3 इज 2 इज 1 इज 0 इज 1 इज 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर समझ में आ रहा है Yes, दोनों स्टेप समझ में आ गए क्लियर है। आप चाहें yes, तो दो कॉलम बना लीजिए आप चाहें तो एक कॉलम बना लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या समझ में आ रहा है। खैर अब हमें क्या करना है हमें f into u करना है। हाँ भाई अब बस यही चीज ध्यान रखनी बेटे कहीं अगर आपने एफडी कर दिया और फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का ले लिया तो आपको ध्यान ये रखना है। मैं हमेशा ये बच्चे से कहता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो अब आप एक्स को कवर कर दीजिए पेंसिल रख दीजिए उसके ऊपर डी को भी कवर कर दीजिए या तो हाथ से कवर करिए या पेंसिल से। अब आपको सिर्फ नजर आना चाहिए एफ और यू तो 15 2 जा 30 110 1 जा 110 जीरो आना है 115 एंड 25 टू जा 50 दैट्स इट ये बस है। अगेन देखिए 50 माइनस 30 प्लस का 20 एंड 115 माइनस 110 प्लस के 5 व्हाट इज द रिजल्ट 25 दैट्स इट। तो ये बेटे मतलब आप अगर इतना कीन ऑब्जर्वेशन करने लगेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी लगने लगेगी। अच्छा हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं तो वो चीज है। सिग्मा एफ बताओ कितना है कितना है 400 है। चलो जी अब फॉर्मूला देख लीजिए बार एक्स इज इक्वल टू हमेशा जो भी सम लिया है आपने उसको एफ से डिवाइड करना है और याद रखने के लिए बता रहा हूं जो आपने किया है ना उसको रिवर्स करते चले जाओ। आपने लास्ट में डिवाइड किया है तो पहले उसे मल्टीप्लाई कर दो आपने उससे पहले माइनस किया था तो उसे प्लस कर दो
तो ये रिवर्स प्रोसेस है, पूरे डेटा को आपने वापस कर दिया कि अब अच्छा भाई जो तुमने जिससे डिवाइड किया था वापस ले लो, माइनस किया था वो भी वापस ले लो, लाइक दिस। तो डिवीजन का आपका रिवर्स जो है वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, माइनस का आपका एडिशन है। तो सिग्मा एफ यू इज व्हाट 25, सिग्मा एफ इज व्हाट 400, एच क्लास साइज इज व्हाट 3, ठीक है, एंड ए इज व्हाट 57। तो आपके पास क्या आएगा, 25 से 400 कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 16 टाइम्स, कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। तो जो मैं आपको समझाता हूं, 3/16 + 57, यहां पे एलसीएम मत लीजिए, कभी आप 16 एलसीएम लेके 57 से पहले मल्टीप्लाई करें, 3 ऐड करें, यहीं पे डेसिमल करने की कोशिश करो भाई, पॉइंट लीजिए तो ये 30 हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 14 कैरी हो जाएगा, 140 कर दीजिए, 16 140 पे आपके पास जो टेबल चलेगा वो 8 टाइम्स चलेगा, 8 टाइम्स, यस समथिंग। तो ये आंसर हो गया 57.18। सबको ये बात क्लियर है या नहीं, बस अब ये बता दीजिए जल्दी फटाफट। यस सर। तो ये बेटे हमारे पास, ये हमारे पास तीन मेथड हो गए, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास एक तरह से चार हो गए। चार कौन से, कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस लिमिट नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन आपके इसमें बचे हैं एक्सरसाइज पहली वाले क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मे बी पॉसिबल कि 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी मिसिंग को भी स्टेप डेविएशन से कैसे फाइंड करते हैं इजीली जल्दी से, और अगर हमारे पास क्लास साइजेस अलग हों। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके सबके सेम क्लास साइज, तो दो क्वेश्चन अभी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में रह गए। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर सब बच्चे ज्यादा भी ना करें, दो दो तीन तीन क्वेश्चन अपने से करें, ठीक है, और प्लीज अब आप करा करें। थोड़ा सा पहले नेट कनेक्टिविटी की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी, मजा नहीं आता था क्लास में, आज थोड़ा सा फ्लो बना हुआ है, आपको वॉइस मुझे लग रहा है क्लियर होगी, पिक्चर क्लियर होगी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बोर्ड पे क्लास लेंगे, उससे और आपको अच्छा लगेगा, लाइव लगेगा कि हाँ सर जरा सामने पढ़ा रहे हो, तो और अच्छा से करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा आप ये करिएगा कि आप एनसीईआरटी की 14.1 एक्सरसाइज लेके उसके क्वेश्चन सॉल्व करके प्लीज मुझे फोटोग्राफ भेजिए, या आप उस पर अपलोड कीजिए, क्या नाम है, गूगल क्लासरूम, सब बच्चे अपने अपने क्वेश्चन के सर ये हमने 10 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास से पहले सब बच्चे ये काम करेंगे, ठीक है सर जी। यस सर। अच्छा सर, मुझे सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से कोन्स के बारे में पढ़ना था सर। कोन के बारे में पढ़ना था, अच्छा जी। यस सर। ठीक है, चलो जी, कोन के बारे में पढ़ा देंगे, मुझे 8 बजे एक मैसेज करना। ओके सर। ठीक है भाई। यस सर। ऑल द बेस्ट। डीपीएस वाले रुक जाएं, बाकी सब थैंक यू बोलने। थैंक यू। जी नोमन। यस सर। साद आपका स्कूल कौन सा है?
सर अभी करेंगे क्लास? मुझे बताइए कौन कौन से चैप्टर्स आपके यहाँ हो चुके हैं। सर अभी तो सर स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना था मुझे अलग से, पर उससे अब आप वो करवा ही रहे हैं उसमें। अच्छा और कोई चैप्टर? नो सर बाकी सब हो गए। यस सर। ठीक है, वैसे स्कूल में कौन कौन से चैप्टर्स हुए? सर चैप्टर 1 हुआ है, पॉलीनोमियल्स हुआ है और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बाकी दो चैप्टर आपको आ गए अच्छे से? यस सर। ठीक, तो आज आप स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन हमारा आज हुआ है उसे कवर कर लीजिए। ठीक है सर। है ना, मैं एक्स्ट्रा असाइनमेंट भेज रहा हूँ उसे सॉल्व करना। ओके सर। ऑल द बेस्ट।